तो एपिसोड 16 की शुरुआत में सोंगमिंग वांगसेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वांगसेंग सोंगमिंग को चकमा देके एक जगह छुप जाता है। तो सोंगमिंग उस सारी जगह पर एक इल्यूजनरी गैस फैला देता है जिसे वांगसेंग गलती से सूंघ लेता है। तभी उस पर एक दूसरा वांगसेंग अटैक करता है, लेकिन वांगसेंग उसे बच जाता है और उसे समझ आ जाता है कि ये सोंगमिंग है और उस इल्यूजन की वजह से उसे वो वांगसेंग दिख रहा है। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर गन तान देते हैं, जिसके बाद नकली वांगसेंग रियल वांगसेंग पर गोलियां चलाने लगता है, पर रियल वांगसेंग गोलियों से बचकर उस पे वार करता है, जिसके बाद नकली वांगसेंग गायब हो जाता है। साथ ही रियल वांगसेंग को सोंगमिंग की आवाजें सुनाई देने लगती है, जो उसे कहता है कि भले ही हमारी सोच अलग हो लेकिन हम एक ही पर्सन है। तभी एक और वांगसेंग वहां आकर असली वांगसेंग पे गोली चलाता है, लेकिन असली वांगसेंग उस गोली से बचकर उस पे ही गोली चला देता है, जिसके बाद वो वांगसेंग भी गायब हो जाता है। और सोंगमिंग वांगसेंग के सामने आकर कहता है कि मुझे तुम्हें हराने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा। तभी वहां पर डाइसी आ जाता है, जो उस मेंबर की तरह वॉल्फ में बदल गया था क्योंकि उसने उस मेंबर को मारा था। अब डाइसी उनकी तरफ देखकर घुर्राने लगता है, साथ ही उसकी पावर भी बढ़ गई थी। ये देखकर सोंगमिंग कहता है कि ये बस अब हमारे खून का प्यासा बन चुका है, साथ ही हो सकता है कि बाकी सब भी मर गए हों। ये सुनकर वांगसेंग डाइसी पर गोली चलाता है, पर डाइसी उससे बच जाता है। तो वांगसेंग छुप के डाइसी पर एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिससे डाइसी का ध्यान भटक जाता है। तभी वांगसेंग डाइसी पर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगमिंग वांगसेंग को रोककर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो वॉल्फ तुम्हारे अंदर आ जाएगी। उसी वक्त डाइसी वांगसेंग को इधर उधर पटकने लगता है, तो वांगसेंग डाइसी की कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपनी स्पिरिट को दे देता है, लेकिन इसकी वजह से वांगसेंग भी आधा वॉल्फ बनने वाला था। अब डाइसी वांगसेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सोंगमिंग उसे बचा लेता है और उसे छुपने को कहता है क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब करने की वजह से वो थोड़ा थक गया था, पर वांगसेंग वहां से नहीं जाता। तो सोंगमिंग डाइसी का ध्यान भटका कर खुद वांगसेंग को एक जगह ले आता है, जहां वांगसेंग अपने आप को हील करने लगता है, पर वांगसेंग खुद को ठीक नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो जबरदस्ती सोंगमिंग की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है। लेकिन सोंगमिंग उसे दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज से वहां डाइसी आ जाता है। तो वांगसेंग स्टन ग्रेनेड से उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद डाइसी सोंगमिंग से लड़ने लगता है। इधर वांगसेंग डाइसी की सारी एनर्जी ठीक से एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल होकर सेकंड स्टेज पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डाइसी सोंगमिंग पर भारी पड़ रहा था, तभी वहां वांगसेंग आकर डाइसी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है, इसलिए वांगसेंग और सोंगमिंग दोनों अपनी स्ट्रेंथ से डाइसी से लड़ने लगती हैं। लेकिन डाइसी गुस्से में आकर उन दोनों को दूर फेंक देता है और उन पे भारी पड़ने लगता है, जिसे देखकर सोंगमिंग और वांगसेंग कहते हैं कि इसे हराना मुश्किल है और हम अगर ऐसा ही करते रहे तो हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तभी वांगसेंग को एक आइडिया आता है और वो दूसरी तरफ जाके डाइसी पर स्टन ग्रेनेड फेंकता है, जिसके बाद वांगसेंग फिर से डाइसी की एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है। तभी सोंगमिंग अपनी पाइथन की स्पिरिट से डाइसी की वॉल्फ को ट्रैप कर लेता है, पर इसकी वजह से सोंगमिंग भी थक कर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो वांगसेंग को देखकर पूछता है कि तुम सेकंड स्टेज पर कैसे पहुंच गए, जिस पर वांगसेंग कहता है कि पिछले एक साल में जब सब पावर के बारे में सोच रहे थे तब मैंने एक पजल सुलझाकर एनर्जी एब्सॉर्ब करना सीखा, जिसकी मदद से मैंने तुम्हारी और डाइसी की एनर्जी एब्सॉर्ब की और सेकंड लेवल पर पहुंच गया। अब सोंगमिंग उठने लगता है ताकि वो वांगसेंग को वापस ले जा सके, तो वांगसेंग उस पे गन तान देता है, जिस पर सोंगमिंग एनर्जी एब्सॉर्ब करते हुए कहता है कि इस जगह पर कई सारे पाइथन है
जिनकी एनर्जी मैं वक्त पड़ने पर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। अब सोंगमिंग वैंगसेंग पर अटैक करने लगता है तो वैंगसेंग उससे बचते हुए सोंगमिंग पर गोली चलाता है, लेकिन सोंगमिंग उससे बचकर वैंगसेंग को नीचे गिरा देता है। तो वैंगसेंग उसे बताता है कि मैंने गोली तुम पर नहीं डाइसी पर चलाई थी ताकि तुम्हारा वो ट्रैप टूट जाए। ये सुन के सोंगमिंग हैरान हो जाता है। अब ट्रैप टूटने की वजह से डाइसी वोल्फ में बदल कर उन दोनों पर अटैक करता है, जिसके थोड़े समय बाद हम वैंगसेंग को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था, जबकि वो वोल्फ एक 9 लेवल स्पिरिट थी। इस तरह वो वोल्फ यूलिंग के आगे सिर झुका रही थी, जिस पर यूलिंग कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे वो सॉस दी थी, इसलिए आगे से तुम उसे परेशान मत करना। ये सुनकर वो वोल्फ डर के मारे वहाँ से चली जाती है। इधर याओगा उसे मिलने मोनिका आती है। अब 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ सोंगयन को भी उस जगह से आजादी मिल जाती है जहाँ सोंगयन को एल्डर्स ने कैद कर रखा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।